हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017। साहिर लुधियानवी साहब की एक गज़ल है, हम इंतज़ार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, हम इंतज़ार करेंगे। बुझी बुझी सी नज़र में तेरी तलाश लिए, भटकते फिरते हैं हम अपनी लाश लिए। यही जुनू यही वहशत हो, यही जुनू यही वहशत हो और तू आए, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। इस भर्ती में ऐसा लगता है आईटीबीपी अथॉरिटीज जो है वो यहाँ पर कयामत का इंतज़ार कर रहे हैं कि कयामत हो और तू आए। 4 साल हो गया है कांस्टेबल लेवल की भर्ती, 4 साल से चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या रिक्रूटमेंट सेल जो है फोर्स का वो फंक्शनिंग नहीं है, क्या दूसरी भर्तियां इस दौरान नहीं हो रही हैं। ड्राइवर की भर्ती जो है वो भी 2018 से चल रही है, जबकि ये भर्तियां ऐसी हैं कि ये 1 साल में पूरी हो जानी चाहिए। बीएसएफ ट्रेड्समैन की इसके बाद में 2 भर्तियां हो गई, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती कंप्लीट हो गई, एसएससी जीडी जो है वो भी कंप्लीट हो गई। 2018 में भर्ती आई थी वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कांस्टेबल ट्रेड्समैन आईटीबीपी की एक छोटी सी भर्ती है वो पूरी नहीं हुई है। टोटल वैकेंसी की बात करेंगे, 600 प्लस वैकेंसी। देखिए आरटीआई से आईटीबीपी ने जो रिप्लाई किया उसके अनुसार 600 प्लस वैकेंसी है अभी तक। रिट पिटीशन, अब रिट पिटीशन की बात आते ही बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो खफा हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये गायत्री चैनल जो है इसने ये सब प्रोपेगेंडा किया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि गायत्री चैनल ने प्रोपेगेंडा नहीं किया, गायत्री चैनल ने आपके हक की बात की, और हम कानून की बात करते हैं तो आपको जानकारी देने के लिए करते हैं। ये पॉइंट 2017 से ही हमें पता है, और 2017 से, लेकिन जो कैंडिडेट 2017 से जो इसको रेज करने वाले थे वो पहले ही भर्ती हो चुके, वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। वो 2017 की जो एसएससी भर्ती थी उससे लेकर बीएसएफ की 2 भर्तियां, ट्रेड्समैन एसएससी जीडी सेक्टर एमटी की बीएसएफ की भर्ती, उसके उसी दौरान जनरेटर ऑपरेटर जनरेटर मैकेनिक की बीएसएफ की भर्ती, जो जिसको जहां मिला राजस्थान पुलिस की भर्ती, दिल्ली पुलिस जिसको जहां मौका मिला वहां पर वो सेट होकर चले गए। अब रिट पटिशन की बात सबसे पहले कहां उठी, रिट पटिशन की बात सबसे पहले आती है 10 जनवरी 2021 को, जब आपका एग्जाम हुआ उस समय। 10 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम हुआ, 10 से लेकर 20 जनवरी तक जो है ये सब प्रोग्राम चलता रहा। एक कैंडिडेट भी हमारे पास में नहीं आया जो ये कहता हो कि मैं सिग्नेचर कर दूंगा। हाँ, एक कैंडिडेट जो है उसने कहा कि मैं एलएलबी कर चुका हूँ, मैं एलएलबी का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि ये सब नहीं होना चाहिए और मैं बहुत दिनों से ये चाहता हूँ इसको चैलेंज करना, लेकिन जब धमकी वाले कॉल की बात आने लगी तो वो भी पीछे हट गए भाई साहब। और कॉल तो हमारे पास आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन उन कॉल की हम कोई परवाह नहीं करते हैं। एक से एक कॉल आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, कॉल पर हमने बिल्कुल ये तयशुदा बात है कि कॉल पर हम बात नहीं करेंगे। कॉल पर बात करने का हमारा प्रोसीजर है, कॉल पर बात आपकी मेरे से डायरेक्ट बात होती है, जो हमारे ऑपरेटर स्टाफ है वो कॉल अटेंड नहीं करेंगे आपका। चलिए वो देखिए, वो हमारा काम है, वो हम अपना काम कर रहे हैं। रिट पटिशन से क्या भर्ती प्रभावित होगी? बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी रिट पटिशन से। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अब भर्ती आपकी कैंसिल नहीं होगी। आईटीबीपी भर्ती को कैंसिल कर सकती है किसी भी समय, ये प्रशासनिक कारणों के आधार पर उनका अधिकार है, लेकिन वो प्रशासनिक कारण जो है अब उनको बताने होंगे वहां पर माननीय उच्च न्यायालय में। इसलिए अब ये बात के बारे में आप नहीं सोचना, अब तो सिर्फ एक बात सोचनी है कि ये मेरिट कब आ जाए, क्या वाकई कयामत आएगी तब मेरिट आएगी। भर्ती हो रही है, बेरोजगारों के साथ छलावा हो रहा है। देखिए 4 साल से सिपाही की भर्ती चल रही है, तो इससे बड़ा बेहुदा मजाक जो है शायद नहीं हो सकता। अब बेरोजगारों की मैं बात नहीं करता हूं, क्योंकि जो बेरोजगार है वो वर्दी वाला यदि जॉब पा जाता है तो वहां पर खुश नहीं रह सकता। इसका उदाहरण एसएससी कांस्टेबल जीडी के जो हमारे वो तमाम साथी जो वहां पर गए और 2 दिन बाद में वापस लौट आए और अब कह रहे हैं कि क्या हम जा सकते हैं। अभी रोज हमारे पास में ऐसे मैसेज आते हैं कि क्या अब हम जा सकते हैं, क्या सेकंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, या सेकंड भी चला गया तो क्या थर्ड आएगा। और ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया उसके बाद भी कैंडिडेट पूछता है कि क्या मैं अब जा सकता हूं, तो ये उनको डिसाइड करना है। ठीक है, आवेश में आके इमोशंस के इफेक्ट से वो लोग वहां पर नहीं रुक पाए,
तो बेरोजगारों के साथ मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि वो हमारे तमाम साथी जो वर्दी पहनना चाहते हैं, वर्दी का जुनून है इनको, वर्दी का नशा है, सुबह 4 बजे उठकर मेहनत करते हैं, लेकिन ITBP जिस तरीके से भर्ती कर रही है, ITBP का रिक्रूटमेंट सेल हमें नहीं लगता कि फंक्शनिंग है, और वहाँ पर IG स्तर का एक ऑफिसर होते हैं जो ये सब रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देखते हैं, रिक्रूटमेंट IG रिक्रूटमेंट। बड़ा अफसोस है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि ट्रेनिंग का जो कैलेंडर जारी हुआ है, एक ऑफिस मेमोरेंडम, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे, वो एक्चुअली पहले से ही सर्कुलेट हो चुका है, वो उसकी एक से एक वीडियो बन गए, उसके अनुसार वैकेंसी 1000 प्लस हो रही है, और कुछ हमारे साथी कहते हैं कि वैकेंसी 2000 हो रही है, कुछ हमारे साथी ये कहते हैं कि 7 जून को रिजल्ट आएगा, यानी कि आज रिजल्ट आएगा शाम को 3 बजे। ये बात हम नहीं कहते हैं, ये बात चैलेंज के साथ हमें मैसेज करके बताई गई है कि 7 जून को ITBP का रिजल्ट आएगा। मेरे फूफा जी ITBP में हैं या मेरे पापा ITBP में, और जिनके पापा ITBP में हैं उन्होंने तो डायरेक्ट मुझे धमकी दी कि ये वीडियो बंद कर दे वरना तेरा इलाज कर देंगे। पापा ITBP में हैं, हम डर जाएंगे उनसे। चलिए, यहाँ पर मैं ट्रेनिंग का जो ऑफिस मेमोरेंडम है वो दिखाने से पहले मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो बड़ा, इसको कहते हैं ना कि उनको पता नहीं किस चीज़ का नशा है उनको, उनको वाकई पापा ITBP में हैं तो वर्दी का नशा बेटे को हो रहा है, पापा को तो पता नहीं नशा है या नहीं है, लेकिन बेटे को यहाँ पर वर्दी का बड़ा नशा है। उस बेटे को मैं ये बताना चाहता हूँ कि पापा से आप पूछना कि इंक्वायरी क्या होती है, और यदि पापा आपको बता दें कि इंक्वायरी की परवाह नहीं है उनको, तो बेशक हमें चाहे जैसे मैसेज करें, हमें कॉल करें, हमें धमकी लगाएं, और इंक्वायरी से यदि पापा आपके सहमत हो जाएं और आपको बता दें कि बेटा इंक्वायरी बहुत ख़राब चीज़ है, तो आप हमें बाद में बताना, मैसेज करना, और हम किसी का करियर ख़राब नहीं करना चाहते हैं। फिर बता देता हूँ, ये करियर बनाने के लिए हैं हम। आज भी हमें जो है इस बात का हमें खुशी है कि 400 प्लस कैंडिडेट जो है वो SSC GD में वर्दी मिलेगी उनको, 100% मिलेगी। ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के ऑर्डर से वो लोग मेडिकल फिट हुए। BSF रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक में तो अभी भी ऑर्डर हुआ है कि कैंडिडेट जो है वो माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर मेडिकल फिट घोषित कर दिए गए। तो आइए ट्रेनिंग का लेटर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये ऑफिस मेमोरेंडम 28/5/2021 को यह जारी हुआ है, और ये फेक नहीं है, ये बता देता हूँ, ये बिल्कुल जेन्यून लेटर है ये, क्योंकि इस तरह का लेटर कोई फेक नहीं बना सकता है। अब इसमें जो पहले का जो पुराना जो ट्रेनिंग कैलेंडर था, उसमें ITBP की ट्रेनिंग का एक मैसेज जो है वो सर्कुलेट होता था, और उसमें अगस्त में ट्रेड्समैन की ट्रेनिंग शुरू होने की बात कही जाती थी। अब ये नया मैसेज जो आ गया है, इसके अनुसार देखिए, जो इसमें फाउंडेशन कोर्सेज, अब इसमें फाउंडेशन कोर्सेज, मैंडेटरी कोर्सेज, इन सर्विस कोर्सेज, बहुत सारे प्रकार के कोर्सेज होते हैं। BTC भानु में नॉन GD मेल फीमेल, अब देखिए एनिमल ट्रांसपोर्ट है या हमारे ट्रेड्समैन है, वो GD नहीं है, ट्रेड्समैन कांस्टेबल ट्रेड्समैन है, GD जो है वो SSC कांस्टेबल GD। 24 वीक का ट्रेनिंग होगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो एक कोर्स है। अगस्त 2021 में ये स्टार्ट होना है, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, और क्वारंटाइन पीरियड जो है वो 7 डेज रहेगा, फ्रॉम अगस्त 21st टू दिसंबर 21st, और 1010 वैकेंसी है। इसमें अप्रॉक्स जो है ये बताया गया है कि 374 प्लस 636, तो यहाँ पर बता दूँ कि ये 1010 सारी आपकी ट्रेड्समैन के नहीं है, इसमें जो 636 वैकेंसी है ये ट्रेड्समैन की है। अभी तक का आज दिनांक जिस डेट को ये 28/5 को ये जारी हुआ है, वहाँ तक ITBP ट्रेड्समैन। अब 1000 होती है, 2000 होती है, 3000 होती है, ये डिपेंड करेगा जब आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा, उस समय तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वैकेंसी बढ़ाने के आदेश देती है या नहीं देती है। और जिस तरीके से ITBP कॉम्पिटेंट अथॉरिटी काम कर रही है, हमें नहीं लगता कि बढ़ाने का आदेश दिया जाएगा, क्योंकि इस साल में आपको बता दूं कि नया जो ट्रेड्समैन भर्ती का प्रोग्राम है वो लागू होने वाला है, जिसमें सभी CAPF के ट्रेड्समैन की भर्ती कंबाइंड होने वाली है, उसके लेटर सर्कुलेट हो चुके हैं उसके, और जो CRPF का जो भर्ती आता है वो इसीलिए डिले हो रहा है। ट्रेड्समैन अभी दो कैटेगरी में बंट जाएंगे, एक MTS और दूसरा किचन स्टाफ।
और उनकी भर्ती बिल्कुल तैयार है आप लोग, लेकिन उससे पहले आपका ये भर्ती हो जाएगा। अब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ये तो फिर प्रश्न आ जाता है, कयामत वाली बात आ जाती है कि कयामत होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों ये लेटर बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं रिट पटीशन की। ये रिट पटीशन केस डिटेल्स, ये कहां पर दाखिल हुआ है, तो ये जो नंबर जो दिखा रहे हैं आपको, ये माननीय राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच जो है उसमें दाखिल हुआ है। ये कैंडिडेट कौन है और नंबर क्या है, ये नंबर से आप खुद सर्च कर सकते हैं। कुछ हमारे साथियों ने कल थोड़ा सा उसको कहते हैं कि अफवाहें रूमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अब उन्होंने जानना चाहा कि क्या केस खारिज हो गया। केस खारिज नहीं, अभी तो पेंडिंग शो हो रहा है, अभी तो सुनवाई में नहीं आया। सीएमएस रिट पिटीशन है, कैंडिडेट कौन है जो दाखिल किए हैं, ये हिम्मत दो कैंडिडेट्स ने की है अभी तक, उसके अलावा और भी हैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उनका हम जाहिर नहीं करेंगे अभी। दूसरे कैंडिडेट्स भी हैं इस लाइन में, लेकिन नरेंद्र जो है वो, उनको ये डर नहीं है। नरेंद्र ने कहा कि मेरा, मुझे इस बात का डर नहीं है, और नरेंद्र को भी धमकी लगाने वाले जो है बिल्कुल लगा रहे हैं। नरेंद्र सन ऑफ श्री डालूराम, यूनियन ऑफ इंडिया, और ये एडवोकेट हैं इनके, और ये पूरा जो है। इसके लिए मैं आपको एक बात आश्वस्त करना चाहता हूँ मेरे तमाम साथियों को, आईटीबीपी ट्रेड्समैन भर्ती, कि इस रिट पटीशन से आपकी भर्ती कैंसिल नहीं होगी। ये रिट पटीशन किस लिए दाखिल की गई है, ये रिट पटीशन दाखिल की गई है कि मेरिट में ट्रेड के मार्क्स क्यों जोड़े जा रहे हैं, जबकि डीओपीटी ने 29 दिसंबर 2015 को एक लेटर जारी करके सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी मिनिस्ट्रीज को ये सब लागू करने के लिए कह दिया कि ग्रुप बी और सी की पोस्ट जो है उसमें इंटरव्यू नहीं होगा। सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती होती है आईटीबीपी में, जो एसएससी जीडी के माध्यम से होती है, या सब इंस्पेक्टर ओवरसीयर की भर्ती होती है, उसमें इंटरव्यू नहीं है। उसमें इंटरव्यू था पहले, 2016 से पहले था, लेकिन उसको हटा दिया गया बाद में। तो जब सब इंस्पेक्टर ओवरसीयर में बिना इंटरव्यू के सिर्फ रिटर्न के आधार पर भर्ती की जा रही है, और सब इंस्पेक्टर ओवरसीयर के अंडर काम करने वाला जो ट्रेडमैन है उसको आप ट्रेड ट्रेड के मार्क्स उसकी मेरिट में जोड़कर भर्ती कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा, इसका क्या जवाब है उसका? क्या जिनके पापा आईटीबीपी में है उनके उन बच्चों को भर्ती करने के लिए ये ट्रेड के मार्क्स दिए जा रहे हैं? अब ये बात कहते ही बहुत सारे हमारे उन साथियों को तकलीफ हो जाती है जो कहते हैं कि मैंने अपनी मेहनत से 28 नंबर लिए हैं। आपने अपनी मेहनत से 28 लिए हैं, लेकिन जिसके पापा आईटीबीपी में हैं उसको 38 भी मिला हुआ है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, और उसका आपको पता भी नहीं चलेगा। उसका आपको इसलिए पता नहीं चलेगा कि जैसे एनिमल ट्रांसपोर्ट का फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी उसमें किस कैंडिडेट को कितना मार्क्स मिला, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया। यही ट्रेडमैन में होगा, किसको कितना मिला, लास्ट कितने पे सेलेक्ट हुआ, ये सब बताया जाएगा सिर्फ। बाकी ट्रेड में कितना और रिटर्न में कितना ये नहीं बताया जाएगा। आप वहाँ पर जिसको कहते हैं कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना, वो बात आपके साथ होगी। और जब आप आज 28 आप ट्रेड में लेकर, आप कह रहे हो कि मैंने ट्रेड में 28 अपनी मेहनत से लिया है, तो जिसने मेहनत, या जिसको कहें कि जिसने 16.5 जिसको मिला है, क्या उसने मेहनत नहीं की होगी? वो क्या बिना मेहनत के ही ट्रेड टेस्ट देने के लिए चला गया था? जेन्यून पॉइंट हमने उठाया, बहुत तकलीफ हो गई, धमकी वाले मैसेज आए, धमकी वाले कॉल भी आए, और एक कैंडिडेट जो है जो कहता है कि मेरे पापा आईटीबीपी में हैं और आप यदि भरतपुर में होते तो मैं आपको मार देता, मैं खुला चैलेंज देता हूं उस कैंडिडेट को, मैं भरतपुर नहीं, मैं कहीं भी आने के लिए तैयार हूं, और यदि मुझे मार देने से या अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए यदि मेरी मौत हो जाएगी तो मेरे परिवार को कोई अफसोस नहीं होगा, मेरा परिवार इसके लिए तैयार है, और आज से नहीं 2008 से तैयार है। बड़ा मैं भावुक हो जाता हूं जब एक कैंडिडेट जिसकी उम्र 25 साल है और वो मुझे कहता है कि मैं 17.5 से सिर्फ इसी भर्ती का इंतजार कर रहा हूं। क्यों कर रहे हो 17.5 की उम्र से इसी भर्ती का इंतजार? ये जब भर्ती निकली थी उसके बाद बीएसएफ ट्रेड्समैन की 2 भर्तियां हो गई। यदि आपको वाकई आप कहते हो कि मुझे वाटर कैरियर ही भर्ती होना है मुझे, या मुझे माली ही भर्ती होना है, तो सीआईएसएफ की उसके बाद में भर्ती हो गई, बीएसएफ की 2 भर्तियां हो गई, आईटीबीपी की ये सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ, एसएससी कांस्टेबल जीडी। क्यों आप ये कहते हो कि मुझे तो 17.5 से, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि मैं तो जब भर्ती निकलेगी तब पापा मुझे ट्रेड में बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा देंगे, क्योंकि पापा की तो वहां पर फुल चलती है। एक कैंडिडेट, अब चलिए पापा की बात हम छोड़ते हैं, एक कैंडिडेट तो फूफा जी जो ऑफिसर हैं उस पर हमें धमकी लगा रहा है, हमारे साथ गलत बर्ताव कर रहा है, गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है।
तो पापा और फूफा जी वाले जो हैं उनको खुली चुनौती मैं देता हूं कि मुझे यदि मार देने से यदि आप भर्ती हो जाएंगे तो मैं बिल्कुल रेडी हूं मैं इसमें। लेकिन आपके पापा और फूफा जी को एक बात पूछ लेना कि इंक्वायरी क्या होती है, और बहुत अच्छे से मैं जानता हूं और मैं समझाना भी जानता हूं। और मैं इंक्वायरी क्या होती है कि जब मैं दूसरे कैंडिडेट्स को मैं रिट पटिशन दाखिल करने के लिए मैं गाइड कर सकता हूं, तो मैं खुद रिट पटिशन दाखिल करके मैं क्या कर सकता हूं इसका अंदाजा नहीं है उन पापा के बेटों और फूफा जी के भतीजों को। इसलिए जो हो रहा है उसका आप इंतजार कर सकते हैं। यदि अन्याय के खिलाफ आप लड़ने की औकात रखते हैं नरेंद्र की तरह, तो आप आगे आइए और अन्याय के खिलाफ लड़िए। यदि मेरे को धमकी देने से और या मेरे साथ गलत व्यवहार करने से, गलत भाषा का इस्तेमाल करने से आप भर्ती हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होगी हमें। तो दोस्तों, अन्याय के खिलाफ लड़ना है, क्योंकि जंग को जीतने का पहला उसूल है कि जंग की शुरुआत करना। आप शुरुआत किए बिना आप जंग जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते। हम सैल्यूट करते हैं नरेंद्र और उसका दोस्त जो आगे है, और उन्होंने इस जिसको कहते हैं विसंगति, क्योंकि आईटीबीपी क्या गृह मंत्रालय से ऊपर है, जब गृह मंत्रालय की बाकी फोर्सेस ने ये सब नियम लागू कर दिया जनवरी 2001 जनवरी 2016 से, तो आईटीबीपी इसको लागू क्यों नहीं कर रही है? क्यों? क्या आईटीबीपी अपने जिन जिनके पापा आईटीबीपी में है उन बेटों को भर्ती करने के लिए नियम को लागू नहीं कर रही है? इन सब का जवाब आप और हम हल्ला करेंगे तब नहीं मिलेगा। इनका जवाब मिलेगा माननीय उच्च न्यायालय में, वहां पर जब आईटीबीपी के एडवोकेट खड़े होंगे और वो जवाब देंगे इसका। और क्या जवाब देंगे वो आप और हम दोनों देखेंगे। तो इंतजार कीजिए। जय हिंद।